अच्छा बेटा, फिर वक्त मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। बाहर देखो चिंची वाला आया कि नहीं आया। फिर आऊंगी दोबारा, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, मैं फिर दोबारा आऊंगी। अम्मा कुछ दिन और रुक जाती, इतने दिनों के बाद तो आप आई हैं। कभी कभी आप चक्कर लगाती हैं। बंदा आता है बेटी के घर, दूसरे दिन तीसरे दिन चक्कर लगा लेता है। आप कभी कभी आती हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। इतने दूर से आप किराया खर्च करके आई हैं, तो कुछ दिन तो मेरे पास आप रह जाती। नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकती। तुम्हारे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनकी कोई पता नहीं है कब उनका रो निकल जाए, तो इसलिए मैं नहीं रुक सकती। मैं इंशाल्लाह, मेरा बेटा, मैं फिर आऊंगी। तुम्हारे अब्बू की जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। अम्मा एक मिनट रुकें, मैं जरा आपको कुछ देती हूँ। वो मेरी तरफ से ना, आप भाभी को दे देना, भाभी खुश हो जाएंगी। भाभी ने पहले भी मांगा था लेकिन मैंने नहीं दिया था। मैं अभी लेके आती हूँ, आप एक मिनट रुकें। ये ले अम्मा, ये ले जाइएगा और मेरी तरफ से भाभी को दे देना। भाभी को कहना इस बार हमारा लहसुन इतना ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ था। इस बार आप इतने से गुजारा करें, इंशाल्लाह मैं ज्यादा भेजूंगी। अगली बार लगाऊंगी ना तो मैं ज्यादा भेजूंगी। ये मेरी तरफ से ना भाभी को दे देना। हाय बेटा, मैं नहीं लेके जा सकती। हम बेटियों के घर से चीज़ें नहीं लेके जाते होते। बेटियों को हम देते हैं, बेटियों के घर से हम चीज़ें नहीं लेके जाते। ये तुम्हें पता ना, ये हमारा रिवाज है। हम पठान अपने असूल के पक्के हैं। और मेरी बात सुनो, हम बाजार से लहसुन ले लेंगे लेकिन तुम्हारे घर से नहीं लेके जाएंगे। बेटा इसको जाओ अंदर रख के आओ। ऐसी तुम्हारी सास आ गई ना तो उसने खामखा में कोई वलवेला खड़ा कर देना है, कहना है कि ऐसे फजूल में अपनी माँ को चीज़ें दे रही है। ठीक है, तो तुम जाओ, मेरा बेटा अंदर रख के आओ। अच्छा हम दस्ती हैं अम्मा की, हम क्या करूँ, थूम चुकी चुकी था अपनी मोह की देती पई है। खाल में दस्ती हैं अम्मा की। अम्मा तुम इतना बैठी हुई हो, तुम उधर जाओ। हाँ भाभी के कमरे में, मैं उठा दीवार के साथ कान लाइटा सुनती पई सी। भाभी हम के करूँ, थूम चुकी था अपनी मोह की देती है। क्या इतना सारा और हो रहा है, क्या क्या सोता था अपनी मोह के बैठा के बीच बाई गई हो सी। अच्छा मैं भी यहाँ, हमका थूम सालों साल कुदर जाता तो अपनी मऊ की देती की है। इसकी माँ हमकी गोडियां कराती रही था थूमे, खल में जुलती हैं उसकी दस्तियाँ। ओ कुड़िए, तुम कुछ पूछी था आप, हमका थूम आप मऊ की देनी पई है। अरे अम्मा जी, मैं भाभी के लिए भेज रही हूँ, भाभी भी मेरे लिए कुछ ना कुछ भेज देती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लहसुन भेज दूँ तड़का लगाने के लिए। तो फिर क्या हो गया, तो वो तुम की यहाँ भेजे हम की इजाजत को तो बगैर रहे, तुम के पेके अच्छी था हम की गोटियां कराते रहे हैं। हम तत्ती तू पाँच कलिया गोटियां करती रही हैं, कोई तुम के पेकियां का नहीं आया, ना तुम की माँ आई ना तुम की परजाई आई। ये हम इतनी मुश्किल के साथ थूम गोडी गोडी था हम पट्टी का अंदर रखिया था, तुम बड़ी थू चाही था मऊ की देती पी है। कदे हम के साथ गोडी कराई, हम बात तो पा बैठी हुई ना, कदे हम की गिलास पानिया का देता ही। अभी भी मुंह संभाल के बात करो, हमारे घर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है टोकरी भर के पड़ी हुई है। ठीक है, हम नहीं लेके जाते, हम मरे नहीं जा रहे। और क्या, हम तुमकी उपरू जे पौड़ी किंदा, हम तुमकी ना पौड़ती, तुम ता परछा विच भाई ता किंदा जो